सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 और पाठ का नाम है बोलने वाली गुफा। प्रस्तुत पाठ में एक सियार की चालाकी तथा एक शेर की मूर्खता का रोचक ढंग से वर्णन किया गया है। इस पाठ में हमें क्या बताया है, एक सियार की तो चालाकी और एक जो शेर होता है जो जंगल का राजा होता है उसकी मूर्खता का रोचक वर्णन इस पाठ के अंतर्गत किया गया है। बहुत समय पहले की बात है, एक घना जंगल था, उसमें एक भयानक शेर रहता था। एक दिन सुबह सोकर उठते ही उसे बहुत जोर से भूख लगी। वह शिकार की तलाश में पूरे जंगल में घूमता रहा। शेर जब सो के उठा तो उसे बहुत जोरों की भूख लगी और वह भोजन की तलाश में जंगल में इधर उधर भटकता रहा, मतलब घूमता रहा। परंतु हिरण, खरगोश आदि तो क्या एक चूहा भी उसके हाथ नहीं आया। इस तरह शिकार की तलाश में उसे सुबह से शाम हो गई। वह सुबह से शाम तक शिकार की तलाश में घूमता रहा लेकिन उसे शिकार कहीं नहीं मिला, अर्थात चूहा, खरगोश, हिरण कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। अंधेरा होने लगा था। अचानक उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा, चलो आज रात इसी गुफा में विश्राम करते हैं। शेर ने क्या सोचा कि भोजन तो अब कहीं नहीं मिला, तो ऐसा करते हैं ये जो गुफा सामने दिखाई दे रही है उसी में आज रात यहीं पर सो जाते हैं, मतलब यहीं पर विश्राम कर लेते हैं। गुफा में घुसकर शेर एक कोने में बैठ गया। उसने सोचा, इस गुफा में निश्चय ही कोई ना कोई जानवर रहता होगा। अब भोजन की तलाश में मुझे इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है, यही लेटकर आराम करता हूँ। जब कोई जानवर आएगा तो मैं उसे मारकर खा जाऊंगा। शेर ने कह दिया, उस गुफा में चुपचाप एक कोने में जाकर के बैठ गया। उसने सोचा कि इस गुफा में कोई ना कोई जानवर तो रहता ही होगा, तो जैसे ही कोई जानवर आएगा तो मैं उसको खा जाऊंगा। उस गुफा में एक सियार रहता था। गोधूली वेला में सियार गुफा पर लौटा। गोधूली वेला मतलब शाम का जो समय होता है उसको गोधूली वेला बोला जाता है। तो उस समय वो जो सियार था उस गुफा में रहता था वो लौट करके आया। गुफा की द्वार पर आकर ठिटक गया। ठिटक गया मतलब डर गया। सियार ने ध्यान से इधर उधर देखा, तभी उसे शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए। सियार क्या है, चालाक होता है, तो उसने इधर उधर देखा तो उसको शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए। उसका कलेजा धक धक करने लगा, अर्थात वह डरने लगा, लेकिन उसने स्वयं को संभाला, पंजों के निशानों का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। अब उसे पता चला कि शेर के पंजों के निशान गुफा में जाने के तो थे पर लौटने के नहीं। सियार ने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही बनाई। गुफा के भीतर कोई शेर घुसा बैठा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या न करे, कैसे पता चले कि शेर कहाँ छिपा है। सियार ने गुफा में प्रवेश नहीं किया, वह गुफा के बाहर एक ओर बैठकर सोचने लगा। तभी उसे एक उपाय सूझा। सियार गुफा के द्वार तक गया। उसने एक पेड़ से ठक ठक करते हुए ऊंचे स्वर में कहा, ये मेरी प्यारी गुफा है, ये मेरी प्यारी गुफा है। आवाज देकर वह चुप हो गया। कुछ देर शांत रहकर उसने फिर कहा, ये मेरी प्यारी गुफा है, आज तुझे क्या हो गया है, तू बोलती क्यों नहीं है, पहले तो तू एक आवाज पर ही बोल पड़ती थी। सियार बहुत चालाक था, उसने सोचा कि अंदर शेर बैठा हुआ है और वो मुझे खा जाएगा, तो उसने एक तरकीब सोची और वह गुफा को आवाज लगाने लगा। तो गुफा क्या बोलती है बच्चों, नहीं बोलती।
लेकिन उसकी जो चालाकी थी वो आगे देखिए, तू अपना वायदा भूल गई, मेरे लौटने पर तू मेरा स्वागत किया करेगी। आज तुम्हें क्या हो गया है? यदि इस बार भी तुमने कोई उत्तर नहीं दिया तो मैं भीतर नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और किसी दूसरी गुफा में जाकर रहने लगूंगा। सियार की ये सब बातें सुनकर शेर सोच में पड़ गया। हो ना वो सियार के आवाज लगाने पर यह गुफा सचमुच उत्तर देती होगी। आज मेरे कारण यह डर गई है, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही है। यह तो बिल्कुल पक्की बात है कि भय से लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं, मुंह से बोल नहीं फूटते, भिग्गी बन जाती है, मतलब डर जाते हैं और शरीर थर थर कांपने लगता है। अगर डर लगता है तो इंसान के साथ ये सब कुछ होता है। शेर ने फिर सोचा, यह गुफा नहीं बोलती, न बोले कोई बात नहीं, इसकी जगह मैं ही स्वागत कर देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ में आया यह शिकार भी निकल जाएगा और फिर रात भर भूखा रहना पड़ेगा। यह सोचकर शेर ने दहाड़ कर कहा, आइए श्रीमान सियार जी, आपका गुफा में स्वागत है। शेर की दहाड़ से गुफा तो गुफा, आसपास का जंगल भी गूंज उठा। दूर दूर छिपे हुए जानवर भी डर के मारे कांपने लगे। बस फिर क्या था, जान बचाने के लिए सियार सिर पर पांव रखकर भाग लिया। भागते भागते सियार बोला, इस जंगल में रहते रहते मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। शेर को क्या बताया उसने, मूर्ख बता दिया सियार ने, कि आज तक कोई भी गुफा बोली है क्या, जी ये गुफा बोलेगी, लेकिन